राजधानी भोपाल के मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें मंत्रिमंडल के सभी कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा कर स्वीकृति की गई है, जिसमें महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने सहित कई अहम फैसले लिए गए हैं। मोहन कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि बैठक में प्रदेश के कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। एमपी सिविल सेवा में महिलाओं को अब 33 के बजाय 35% रिजर्वेशन मिलेगा। यह आरक्षण एमपी में होने वाली सभी नियुक्तियों में दिया जाएगा। कैबिनेट ने इसे बढ़ा दिया है। पहले यह आरक्षण 33% होता था, जिसे बढ़ाकर 35% कर दिया। मोहन कैबिनेट में फैसला लिया है कि किसानों को खाद खरीदने में आ रही तकलीफों को देखते हुए प्रदेश में 254 नगद नए उर्वरक विक्रय केंद्र खोले जाएंगे। इससे किसानों को होने वाली परेशानी कम हो जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक की भर्ती के लिए आयु सीमा में वृद्धि पर निर्णय लिया है। आयु सीमा को 40 साल से बढ़ाकर अब 50 साल कर दिया है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। नगद उर्वरक विक्रय केंद्र जो 286 डबल लॉक के विपणन समिति के 141 विपणन समिति के से संबंधित 121 जो केंद्र ऑलरेडी संचालित थे, उसमें 254 नगद नए उर्वरक विक्रय केंद्रों की स्वीकृति आज दी गई है। जिससे कि हम लोग हमेशा ये बातें आती थी कि लंबी लाइनें हैं, खाद खरीदने में किसानों को समय लग रहा है, परेशानी हो रही है, तो एक बहुत बड़ी राहत इसे मिलेगी। 254 नए केंद्र खोले जाएंगे और ख़ास तौर से जो डिफॉल्टर किसान हैं, जिनको कि नगद में खाद मिल जाए, इसके लिए इस प्रकार के सेंटर की आवश्यकता थी, तो ये एक निर्णय हुआ है। सतपुड़ा सारणी में सतपुड़ा ताप विद्युत गृह के 4 जो बहुत पुराने इकाइयां थी, 410 मेगावाट की 2 थी और 420 मेगावाट की 2, 830 मेगावाट टोटल जो है उसको डीकमीशन किया जाएगा। 410 थे वो 205 के 2 थे, 410 हो गए और 210 के 2 थे जो 420 मेगावाट हो गए, तो इनको डीकमीशन करके और 660 मेगावाट जो क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहलाता है, सुपर क्रिटिकल, जो इफिशेंसी के मामले में सबसे बेहतर पावर प्लांट होते हैं, तो इसको रिप्लेस करके और 660 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने की अनुमति दी गई है। ये भी थर्मल का ही होगा? थर्मल ही है। कोल लिंकेज ऑलरेडी है, तो ये जो पुराने 40 साल पुराने हैं, जिनका पीएलएफ वगैरह बहुत कम हो जाता है, चलते चलते पुराने हो जाते हैं, सुपर क्रिटिकल में नहीं, कोल लिंकेज जो हमारा है उसी से ये पावर प्लांट लग जाएगा। मेडिकल कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की आयु सीमा 40 थी, उसको बढ़ा के 50 किया गया है, क्योंकि तेज़ी से मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं और जो एसआर शिप करने की आयु सीमा है वो 45 है। एसआर शिप करने के बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लोग अप्लाई कर पाते हैं, तो इसलिए 40 से 50 साल की आयु सीमा आज कैबिनेट ने बढ़ाई है, जिससे हमें असिस्टेंट प्रोफेसरों को मिलने को की नियुक्ति में अब ज़्यादा आसानी हो जाएगी। पैरामेडिकल काउंसिल के जो अधिनियम भारत सरकार ने बनाए, उसके रूल्स अभी आ नहीं पाए हैं, इसलिए एमपी पैरामेडिकल काउंसिल के नियमों को एक बार फिर से यहाँ पर रिइंस्टेट किया गया है, जिससे कि हमारे 23-24 और 24-25 में एडमिशन और परीक्षाएं हम संचालित कर सकें, और जब भारत सरकार के रूल्स आ जाएंगे तो फिर उस रूल्स के आधार पर एडमिशन और परीक्षाएं हो सकेंगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है पैरामेडिकल के क्षेत्र में। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में जैसा कि आप सबको मालूम है कि पैक्स जो हमारी प्राथमिक सहकारी साख समितियां हैं,
वो सारी की सारी कंप्यूटराइज हो चुकी हैं। हमारे रजिस्ट्रार ऑफिस डीआर और जेआर के ऑफिसर्स को भी कंप्यूटराइज करके और पैक समितियों के साथ और हाउसिंग की जो सोसाइटीज़ हैं, प्राइवेट जो सोसाइटीज़ हैं, उनको इंटीग्रेट किया जा सके, सारी इंफॉर्मेशन हमें समय समय पे और मिलती रहे। इसके लिए स्ट्रेंथनिंग ऑफ कोऑपरेटिव थ्रू आईटी इंटरवेंशंस, जिसमें 3.68 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 60% भारत सरकार इसमें पैसा दे रही है और 40% स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। और इससे जो इंटीग्रेशन होगा आईटी का, उससे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को चलाने में और उसकी मॉनिटरिंग में काफ़ी मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश सिविल सेवा में महिलाओं की नियुक्ति के लिए 33% का जो रिजर्वेशन था उसको 35% किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है महिला सशक्तिकरण की दिशा में कि अब मध्य प्रदेश में 35% रिजर्वेशन रहेगा नियुक्तियों में, सभी प्रकार की नियुक्तियाँ एमपी गवर्नमेंट 33 से 35। पीएससी और ईएसबी में जितनी भी नियुक्तियां होती हैं सारी। रीवा रीजनल इन्वेस्टर समिट बहुत सफल रही है, 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था और 31,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव दिए गए हैं, 28,000 से अधिक लोगों को इसमें रोजगार मिल सकेगा। गोवर्धन पूजा का भव्य आयोजन पूरे प्रदेश में हुआ है और 2 नवंबर को सांस्कृतिक विरासत और धरोहरों को सहेजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। लोगों में काफ़ी उत्साह था इस पर गोवर्धन कदम के रूप में देखा जा रहा है लोगों में काफ़ी उत्साह था इस पर गोवर्धन पूजा में जिस प्रकार से सरकार में आगे बढ़ के लोगों के परंपरागत इस पर्व को में शासन ने जिस प्रकार से सहभागिता की है उससे लोगों में बहुत उत्साह रहा और गौ संरक्षण गौ संवर्धन की दिशा में भी काफ़ी इसमें इसको ताकत मिली है। 29 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्चुअली नीमच मंदसौर सिवनी मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन किए गए, जैसा आप सबको जानकारी है। ग्वालियर में मानसिक आरोग्य शाला, मंदसौर में कल्याण विभाग, राजस्व विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग एवं वन विभागों के द्वारा पीएससी से भरे जाने वाले पदों की जानकारी की भी मुख्यमंत्री जी ने जानकारी मांगी है, क्योंकि बड़ी संख्या में पीएससी से कई विभागों में भर्तियों का प्रक्रिया चल रही है। 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में रीजनल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। 7 दिसंबर को नर्मदापुरम संभाग के सभी जिलों के लोगों को निर्देश जारी हुए हैं। 12 नवंबर को कालिदास सम्मान समारोह उज्जैन में माननीय उपराष्ट्रपति जी के मुख्यातिथ्य में होगा। इस कार्यक्रम को भव्य रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। कुल मिला के आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने, जैसा कि आपने देखा कि चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो सहकारिता विभाग हो, चाहे वो अन्य विभाग हो, महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए हैं और मध्य प्रदेश तेज़ी के साथ अपने उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है, जिन लक्ष्यों को प्राप्त करके हम प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करना चाहते हैं और हिंदुस्तान में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित होना चाहते हैं।